हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो गाइज, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं WWE से जुड़ी कुछ बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में, जहां पर हम बात करने वाले हैं ब्रॉन स्ट्रोमन की कॉमेडी फिल्म के बारे में जो कि हमें आने वाले टाइम में दिखाई देने वाली है। इसके अलावा बात करने वाले हैं क्यों एजे स्टाइल ने लीव किया TNA को और फिर वो आए WWE में, और साथ में बात करने वाले हैं जॉन सीना के सर्वाइवर सीरीज के प्लान्स को लेकर एक अपडेट के बारे में। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। बात कर लेते हम सबसे पहले दी मॉन्स्टर अमंग द मैन ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में, जिनके आने वाले टाइम में हमें कॉमेडी फिल्म दिखाई देने वाली है। और रिसेंट एक ट्रेलर लॉन्च हुआ उसी मूवी का, मूवी का नाम है होमलेस एज वॉटसन, और जिसके आप ट्रेलर देख सकते हो यूट्यूब पर जाकर। और अराउंड 1:30 पर हमें वहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन रिंग के अंदर दिखाई दे रहे, जहाँ पर उन पर अटैक होता है पीछे से स्टील चेयर पर। और उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन का भी फिलहाल ट्रेलर में इतना सा सीन बताया, लेकिन जो भी मूवी है वो एक कॉमेडी मूवी है, और देखते हैं आने वाले टाइम में क्या इस मूवी में ब्रॉन स्ट्रोमन का और कोई सीन दिखाई देता है या फिर नहीं। इसके अलावा बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट के बारे में, जुगी जुड़ी है दी फिनोमिनल वन एज स्टाइल्स के बारे में, और उन्होंने क्यों लीव किया TNA को और वो फिर वो आए WWE में। तो इसको लेकर रिसेंटली एज स्टाइल ने अपने एक इंटरव्यू में बड़ी बात कही है, जहां उनका कहना ये था कि उन्होंने TNA में 11 साल बिताए हैं, और वो 11 साल बस ऐसे छोटे मोटे नहीं थे बल्कि हार्ड वर्किंग 11 साल थे। जहां पर एज स्टाइल ने TNA में काफी कुछ किया, लेकिन उन्होंने इतनी ज्यादा फिर भी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी उन्हें WWE के अंदर आके मिली है। लेकिन इस इंटरव्यू में उनका कहना यह था उन्होंने TNA को इसलिए लीव किया क्योंकि जब उनकी पेमेंट यानी कि इनकम मिलनी थी, जितनी भी उनको मिलती है महीने के अंदर या फिर साल के अंदर, तो उसमें से 60% उसमें से कट कर लिया गया, जिसके बाद एज स्टाइल को काफी ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि उनका कहना यह था कि 100% एज स्टाइल को मिलने वाला, लेकिन वहां पर अकेला 60% से काट के 40% ही एज स्टाइल को दिया गया, जिसके कारण एज स्टाइल ने तुरंत ही छोड़ दिया TNA को और फिर वो हमें WWE में आते हुए नजर आए, जहां पर हमें रिसेंटली एज स्टाइल ने WWE चैंपियनशिप को भी जीत लिया। तो अब एज स्टाइल का जो करियर है WWE के अंदर काफी बेहतरीन है, और देखते हैं आने वाले टाइम में दी फिनोमिनल वन क्या चीज बड़ी करते हैं WWE के अंदर। इसके अलावा बात कर लेते हैं लास्ट और फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है सी नेशन लीडर 16 टाइम चैंपियन जॉन सीना के प्लान्स के बारे में, जो कि होने वाले उनके सर्वाइवर सीरीज 2018 के बारे में। सुपर शोडाउन इवेंट में हमें देखने को मिलेगा जॉन सीना का एक बड़ा टैग टीम है, जहां पर जॉन सीना एंड बॉबी लेशली हमें केविन ओवेंस एंड एलियास का फेस करते हुए नजर आने वाले। इसके अलावा रिसेंटली मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि किस तरह से जॉन सीना ने एक अजीब सा ट्वीट किया, लेकिन अभी फिलहाल उस ट्वीट का कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन कुछ अपडेट्स निकल के सामने आ रही है जिनका मानना यह है कि हमें आने वाले टाइम में जॉन सीना WWE के साथ काम करते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद हमें जॉन सीना का सर्वाइवर सीरीज में एक बड़ा मैच भी देखने को मिलेगा। लेकिन जॉन सीना के पास अभी फिलहाल कोई टाइटल रन नहीं है, यानी कि कोई चैंपियनशिप भी नहीं है। इसके अलावा फिलहाल जॉन सीना की जो रेगुलर है वो कोई भी सुपरस्टार के साथ नहीं चल रही है। तो रूमर्स एंड अपडेट्स का मानना यह है कि आने वाले टाइम में हमें जॉन सीना मंडे नाइट रॉ या फिर स्मैकडाउन लाइव में वापसी करते हुए नजर आने वाले हैं, और हो सकता है कि वो किसी ना किसी टीम को ज्वाइन करे सर्वाइवर सीरीज के ट्रेडिशनल मैन मैच के लिए। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि WWE किस तरह से हमें फ्यूड दिखा रही है टीम कर्ट एंगल वर्सेस टीम बैरन कॉर्बन के बीच, तो हो सकता है वापसी करने के बाद हमें जॉन सीना टीम कर्ट एंगल को ज्वाइन करते हुए नजर आए, और हो सकता है वो अपनी टीम की तरफ से हमें इस बड़े मैच में जीते हुए नजर आए जब वो टीम बैरन कॉर्बन के सभी सुपरस्टार्स को आने वाले टाइम में हरा दें। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो जल्दी से कर देना आप इस वीडियो को लाइक। इसके अलावा कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आप किस तरह से जॉन सीना की वापसी देखना चाहोगे सर्वाइवर सीरीज के बड़े पेपर व्यू में। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE के अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।